हाय गगन दिस साइड फ्रॉम माय कार हेल्पलाइन, कैसे हैं आप? आज बात कर रहे हैं ह्यूंडई क्रेटा के बारे में। देखिए, कहते हैं उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और ह्यूंडई इंडिया ने जब क्रेटा को इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में लॉन्च किया था, दे हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्बन इंडिया बायर्स दैट दे आर लुकिंग फॉर प्रीमियम इंटीरियर्स, दे आर लुकिंग फॉर फीचर्स येट लाइक अ एसयूवी काइंड ग्राउंड क्लियरेंस। तो उन्होंने क्रेटा में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया और अर्बन इंडियन बायर्स ने उसको किया थम्स अप। यस, ह्यूंडई क्रेटा इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि डिस्पाइट 2.5 साल के ऊपर हो गए हैं पैसेंजर कार मार्केट में, इसकी जो सेल्स है वो आज भी बिल्कुल पीक पे है और इस गाड़ी पे एब्सोल्युटली कोई डिस्काउंट्स नहीं है। अब ह्यूंडई इंडिया एक ट्रम्प कार्ड चल रही है, वो ये ट्रम्प कार्ड है कि बेसिकली इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन लेके आने वाली है मई 2018 में। यानी इसका जो फेसलिफ्ट पहले प्लान था कि सितंबर या अक्टूबर में आएगा ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम, उसको प्रीपोन कर दिया है सो एज टू गिव अ फीलिंग टू अर्बन इंडिया बायर्स, जो लोग को सनरूफ का फीचर चाहिए, जो लोग को एडवांस फीचर्स चाहिए, जो लोग को और बढ़ोतरी चाहिए फीचर्स लिस्ट में। ह्यूंडई इंडिया उन सारी चीज़ों पर काम कर रहा है और क्रेटा का फेसलिफ्ट वर्जन लेके आने वाला है। आज बात कर रहे हैं टॉप 5 चेंजेस इज ऑल न्यू ह्यूंडई क्रेटा, और जो नंबर 1 चेंज आपको ह्यूंडई क्रेटा में मिलेगा वो उसके मिलेगा एक्सटीरियर प्रोफाइलिंग में। गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है उसके अंदर कंपनी ने चेंज कर दिया है, आपको फ्रंट ग्रिल और इम्प्रेसिव मिलेगी। साथ में जो उसकी हेडलाइट्स है, बम्पर है, टेल लाइट्स है, उसके अंदर भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। ऑल न्यू स्टाइलिश आपको ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे ह्यूंडई क्रेटा के अंदर, तो बढ़िया स्टाइलिंग के अंदर अपील लग रही है ऑल न्यू ह्यूंडई क्रेटा की। और जो नंबर 2 ह्यूंडई इंडिया ने सबसे एंटिसिपेटेड चेंज करेगी क्रेटा में, वो करेगी सनरूफ का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, सनरूफ का क्या है, जितना मुझे समझ में आया इंडियन पैसेंजर कार मार्केट के अंदर सनरूफ आज भी लोग लग्जरी समझ रहे हैं, और ह्यूंडई ये जान रहा है कि लोगों की जो अट्रैक्शन है सनरूफ के, भाई सनरूफ वाली कार, तो वो ह्यूंडई क्रेटा का टॉप एंड मॉडल में अब आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट और बता दूं, चाइनीज मार्केट के अंदर ह्यूंडई पैनारोमिक सनरूफ दे रही है जो पूरा रूफ कवर करता है, इंडियन मार्केट में वो आपको केवल इलेक्ट्रिक सनरूफ देगी। बट एनी हाउ, सनरूफ आपको इंट्रोडक्शन होगा ह्यूंडई क्रेटा के टॉप एंड मॉडल में। जो नंबर 3 आपको ह्यूंडई इसमें और इंट्रोडक्शन करेगी नए फीचर्स के रूप में, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, वो बढ़िया चीज़ है। दूसरी, कार के अंदर जो सीट्स हैं वो परफोरेटेड सीट्स हो जाएंगी, एयर कूल्ड हो जाएंगी। जैसे गर्मी का टाइम है, दिल्ली की गर्मी आप जानते हैं, या कहीं आप जाते हैं कार के अंदर आप बैठेंगे तो इसमें एयर कूल्ड सीट्स होंगी, आपको अगर स्वेट हो रहा होगा तो सीट्स को बैठने पे आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और साथ में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी ह्यूंडई इंडिया अपग्रेड करेगी ताकि उसके अंदर वॉइस कमांड की भी फैसिलिटी आ जाए और इंट्यूटिव इंटरफेस हो जाए। एग्जिस्टिंग ह्यूंडई क्रेटा के टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर वॉइस कमांड की फैसिलिटी नहीं है, विच इज़ वेरी शॉर्ट अमंग द बायर कम्युनिटी। और जो 4th चेंज करेगी ह्यूंडई इंडिया क्रेटा में, वो करेगी इसका जो ऑटोमेटिक पेट्रोल है, ह्यूंडई ने भी शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कि लोग कितना एसयूवी सेगमेंट के अंदर पेट्रोल कार्स पे डिमांड रखेंगे। अब पेट्रोल ऑटोमेटिक की काफ़ी डिमांड है, उसके अंदर लोग चाह रहे हैं एडवांस सेफ्टी फीचर्स, और बड़ा लाइकली है डेट ह्यूंडई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग 6 एयरबैग सेफ्टी इन द अपडेटेड ह्यूंडई क्रेटा। और जो 5वां चीज़ है वो मेरे हिसाब से, विच आई स्ट्रांगली फील, बेसिकली जो क्रेटा का 1.4 CRDI डीजल इंजन है उसके अंदर की परफॉर्मेंस मुझे बड़ी जस्टिफाई करती हुई नहीं दिखाई दी ह्यूंडई क्रेटा की। तो ये इंजन ह्यूंडई एलीट i20 में ठीक लगता है, बट क्रेटा जैसी गाड़ी में दिस इंजन डज नॉट सूट इन एट ऑल। इसी के कारण है कि ह्यूंडई ने ये 1.4 CRDI डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया है वरना के फेसलिफ्ट वर्जन में, जो 2017 में लॉन्च हुई थी, और उम्मीद यही है कि क्रेटा के फेसलिफ्ट वर्जन में ये 1.4 CRDI डीजल इंजन आपको शायद ना मिले। तो बेसिकली आपको 2 इंजन मिलेंगे, 1.6 VTVT पेट्रोल एंड 1.6 CRDI डीजल इंजन, यही 2 इंजन आपको ह्यूंडई क्रेटा फेसलिफ्ट में मिलेंगे। अब देखिए, ह्यूंडई ने आप अगर चेंजेस की लिस्ट देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ा भारी भरकम चेंजेस कर दिए हैं, थोड़े से आपको स्टाइलिंग में चेंजेस मिलेंगे। जो फीचर्स लिस्ट आपको मिलेंगी, सनरूफ, परफोरेटेड सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो आपको उम्मीद यही है SX या SX ऑप्शन टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगी, जिसमें सनरूफ आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही इंट्रोड्यूस होगा। टच स्क्रीन के अंदर जो वॉइस कमांड है वो भी अगेन आपको SX और SX ऑप्शन मॉडल के अंदर मिलेगा। तो कहने का आइडिया ये है कि जो ये चेंजेस हैं, दीज आर प्राइमरीली मेंट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर टॉप एंड वेरिएंट्स। जिन लोग की रिक्वायरमेंट बेस मॉडल की है, यानी ई मॉडल या एस मॉडल लेना चाह रहे हैं, उसमें शायद आपको इतने चेंजेस ना मिले।
अब गाड़ी की अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं क्रेटा फेसलिफ्ट की कंपेयर टू प्री क्रेस्ट क्रेटा जो अभी बिक रही है, तो कार के इंजन में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, कार के जो बॉडी स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, कार के अंदर जो केबिन स्पेस है वो भी आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगी, कार की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी आपको सिमिलर मिलेगी। इट इज़ मोर लाइक दैट Hyundai इज इंट्रोड्यूस सम ऑफ द फीचर्स इन द टॉप एंड वेरियंट्स, प्लस Hyundai ने थोड़े से आपको स्टाइलिंग में चेंजेस करेगी फ्रंट और रियर के अंदर। But anyway, Hyundai is going to meet in the aspiration of the urban segment buyers who are looking for a top-notch features or sunroofs. Yes, because मुझे जितना पता है Hyundai Creta के जो top-end variant के buyers थे, they have been asking for sunroof and they were ready to pay for sunroof. अब क्योंकि factory fit उनको sunroof मिलेगा top-end variants में, तो उम्मीद यही है कि Creta और उगता सूरज की तरह और सलाम gather करेगी। तो ये था Hyundai Creta facelift के बारे में। अगर आप लेना चाह रहे हैं Hyundai Creta facelift और probably इसका टॉप एंड वेरिएंट जो बड़े आप इंप्रेसिव लग रहे हैं फीचर्स के हिसाब से, तो आप Hyundai के डीलरशिप पे जाके बुकिंग लगा सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी Hyundai इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट अनऑफिशियली डीलर्स प्रोबेबली आर एक्सेप्टिंग बुकिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, चैनल माइकर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब और आगे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।